नमस्कार दोस्तों, मैं गुरु भाई लेक्चर टू लेकर के आया हूँ ऑन काइनेमेटिक्स फिजिक्स बाय गुरु। ये काइनेमेटिक्स क्या है, इसके क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं और हम उन फंडामेंटल्स से कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपके फंडे क्लियर हैं, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी ने सही कहा है, अगर जड़ मजबूत है तो पत्ते हरे आने ही आने हैं, कोई रोक ही नहीं सकता। स्टार्ट करता हूं काइनेमेटिक्स से। काइनेमेटिक्स एक स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज है विदाउट रेफरेंस टू द फोर्सेस दैट अफेक्ट द मोशन। देर आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट वी आर कंसर्न विद, पर्टिकुलरली स्केलर्स एंड वेक्टर्स, जिसमें डिस्टेंस और स्पीड स्केलर्स में आएगा और वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आएगा। आगे बढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स का एक सब सिंपल सा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेक्टर यू बराबर वेक्टर यू एक्स आई डायरेक्शन में, यू वाई जे और यू जेड के डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन ए एक्स ए वाई ए जेड है आई जे और के यूनिट डायरेक्शन में। तो इसका जो स्पीड वेक्टर है मॉड वी विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। हम स्पीड के फॉर्मूलेस डाल सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में डाल करके हमको स्पीड आफ्टर टी सेकेंड्स निकल आएगा उसमें। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा इसमें अंतर जान लीजिए। डिस्टेंस है, अगर ए से बी हम गए, पाथ लिया मैंने ए सी बी, तो डिस्टेंस होगा ए सी बी। चूंकि इनिशियल ए और फाइनल बी है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा वेक्टर क्वांटिटी में ए बी ओनली। आगे बढ़ते हैं। हमारा आप ग्राफ देख सकते हो, इसमें डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाया है, जिसमें डेल्टा टी टाइम में, टी टाइम में अगर कोई पार्टिकल ए है और टी प्लस डेल्टा टी में बी है जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा एस, तो वेलोसिटी हम मेंशन कर सकते हैं वी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, अर्थात डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। फर्दर डिफरेंस डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल टी वन टू टी टू विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एस, जो ऊपर से इक्वेशन नीचे डिराइव हुई, इक्वल टू इंटीग्रल वी डी टी, जिसमें लिमिट्स लग जाएंगी डी एस एस जीरो से एस और टी वन से टी टू टाइम। नेक्स्ट, फर्दर इफ यू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। वेरी सिंपल, जो इंटीग्रल पार्ट है उसका ही इंटीग्रल वी डॉट टी करूंगा तो उसका पूरा आपका एरिया जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इन टाइम इंटरवल टी वन टू टी टू निकल आएगा। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सपोज ए से बी हम जा रहे हैं, जहां वेक्टर ए रिप्रेजेंट्स वेक्टर आर वन फ्रॉम ओरिजन और वेक्टर बी रिप्रेजेंट वेक्टर आर टू फ्रॉम ओरिजन, तो वेक्टर ए बी विल बी इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, विच इज ए बी वेक्टर इक्वल टू आर टू माइनस आर वन वेक्टर। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इन अ टाइम इंटरवल टी वन टू टी टू इज डिफाइंड एज अ डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। एक्चुअल पार्ट टेकन बाय द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन कैलकुलेटिंग द एवरेज वेलोसिटी, सिंस द एवरेज वेलोसिटी इज अ डिफरेंशियल टर्म, इट्स अ रिलेटिव टर्म। वेक्टर वी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। नेक्स्ट, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज सिमिलरली गिवन बाय, एवरेज एक्सेलरेशन इज वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी इक्वल टू डी वी बाई डी टी। नेक्स्ट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। अब हम तीन इसमें बेसिक डेफिनेशंस डिराइव करेंगे, जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन आप देख पा रहे हो वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड आप देख पा रहे हो एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। वेरी सिंपल, दीज आर हैंड रिटन नोट्स, दीज आर वेरी वेरी सिंपल एंड आप बहुत सिंपल तरीके से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों तरफ, जिसमें आप इनिशियल वेलोसिटी यू और फाइनल वेलोसिटी वी मान के जीरो से टी के टाइम के बीच में, अगर टाइम टी वन टी टू है तो वो डिफरेंशियल टी टू माइनस टी वन आ जाएगा। करते हैं, आप तीन बेसिक बेसिक आपकी ये तीन इक्वेशंस आ गई हैं,
The quantities x, u, v and a may take a positive value or a negative value depending on whether they are directed along the positive or negative directions. इसे मैं x x और y plane में अगर बात करूं तो x में अगर right side जाता हूं तो positive है, y में up side जाता हूं तो positive है. अगर y में नीचे जाऊंगा तो negative लूंगा और x में अगर left side जाऊंगा तो negative लूंगा. Next. एक question try करते हैं, बहुत ही simple है. A particle moves in xy plane with a constant acceleration a meter per second in direction making an angle theta with the x axis. आप देख सकते हो फिगर से. At time t equal to t naught, the particle is at origin and its velocity is vx along the x-axis. Find the velocity and position of the particle at time t equal to t seconds. These are lucid and very easy handwritten notes, very explanatory, and these are the basics. मैं पहले फिर से आपको एक दोहराना चाहूँगा. अगर आपके basics clear हैं, तो आप कोई भी difficult से difficult question solve कर सकते हैं. हम इसमें xy plane लेके चल रहे हैं, कल को xz plane ले सकते हैं, yz ले सकते हैं, और आगे आप questions जब देखेंगे तो हम xyz तीनों plane में बात करेंगे. और बहुत ही simple इन basics के साथ हम मतलब tough से tough question जो ITJ में आने वाले हैं या आ चुके हैं उनको भी हम आगे देखेंगे. लेकिन basics हमारा फंडा यही रहेगा कि हमको ये जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए. नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हेन अ पार्टिकल अगर हम कोई थ्रो करें नियर द अर्थ सरफेस, इट मूव्स अलोंग अ कर्व पाथ. सच अ पार्टिकल इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. एजम्पशन है मेरा एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ये मैं मान के चल रहा हूँ. कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता है. अगर क्वेश्चन या किसी भी प्रॉब्लम में ये स्टेट होता है तो हम उसको कंसिडर कर लेंगे एज एन एक्सेलरेशन के रूप में. इसमें हम सिर्फ ग्रेविटी माइनस जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे मैंने बताया माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में पॉइंटेड है. इसमें पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ माना है, ओ बी इसका हॉरिजॉन्टल रेंज है, ए सी इसकी मैक्सिमम हाइट है. आप देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, ये पाँच चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ही सिंपल और आसानी से हमने इसमें देखा कि बहुत ही आराम से आप निकाल सकते हो. जिसमें टाइम टी ए निकाल के आया यू साइन थीटा बाई जी, जिसमें हमने वी वाई का कंपोनेंट एट पॉइंट ए जीरो माना है. वाई ए सी भी बहुत सिंपल है, जिसमें हमने एक्स वाई ए सी का जो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ है उसमें बहुत सिंपल सी इक्वेशन लगाई है जो आपने प्रीवियस में देखा, जिसमें इक्वेशन है वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर. नेक्स्ट, अब देखोगे कि इसमें थर्ड में टाइम हमने ओ बी निकाला है, जिसमें टू यू साइन थीटा वाई जी आया है. फोर्थ एक्स ओ बी, जो कि आपका एक्स का जो हॉरिजॉन्टल का पूरा रेंज है वो यू स्क्वायर साइन टू थीटा वाई जी है. इसमें आपका इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर. ये पांचों इक्वेशंस को आपको मगअप करना होगा, इनको रट लीजिए. ये कैसे निकले हैं बहुत सिंपल और लूसिड वे में आपने सामने देख लिया है, लेकिन आपका मेन प्रोजेक्ट मेन आपका फोकस होना चाहिए बेसिक थ्योरी में. अगर आपको ये थ्योरी आसान है तो यही प्रोजेक्टाइल मोशन मैं इंक्लाइन प्लेन में भी कराऊंगा, यही प्रोजेक्टाइल मोशन मैं शिप में भी कराऊंगा, यही प्रोजेक्टाइल मोशन मैं धरती में कहीं भी किसी भी पार्टिकल के ऊपर करा लूंगा जिसका एंगल थीटा हो, गामा हो, अल्फा हो, कहीं से भी हो, भले एक्स वाई प्लेन में हो, वाई जेड में हो, या जेड एक्स में हो, या फिर एक्स वाई जेड तीनों ही प्लेन्स में हो. ये बेसिक फंडामेंटल इक्वेशंस हैं जिनको आपको रटना होगा. एक एग्जांपल के रूप में मैं बोलता हूं कि अगर आप देख पा रहे हैं इक्वेशन नंबर 4 एक्स ओ बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, तो एक्स ओ बी मैक्सिमम कब होगा? एक्स ओ बी मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ओ बी, वो मैक्सिमम कब होगी? जब साइन टू थीटा मैक्सिमम होगा. साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब वो इक्वल टू 1 होगा. मतलब थीटा क्या होना चाहिए? 45 होना चाहिए, क्योंकि साइन टू थीटा इक्वल टू 1 एट 90 डिग्री एंगल पे होता है. तो 90 शुड बी इक्वल टू 2 थीटा और थीटा इक्वल टू 45 डिग्री. मतलब 45 डिग्री पे अगर प्रोजेक्शन होगा तो ओ बी की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी यू स्क्वायर बाई जी, जिसमें साइन टू थीटा विल बी इक्वल टू 1. अगर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंगली आप जब आपके पास ये चीज आ गई तो आप बेसिक कुछ भी फिगर्स डाल के भले इस प्रोजेक्टाइल मोशन को आप थोड़ा तिरछा कर दीजिए, एक प्रोजेक्टाइल एक इंक्लाइन प्लेन पे ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये मैं आगे वाले क्वेश्चंस में आपको दिखवाएंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में आप देखेंगे और आपको अच्छा लगेगा. नेक्स्ट मैं आता हूँ बहुत ही सिंपल एक लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का. अ पार्टिकल जो हमने प्रोजेक्ट किया वी वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो, कंसीडर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज द लोएस्ट पॉइंट ऑन द इनर सर्फेस ऑफ अ बाउल फॉर्म बाय रोटेटिंग द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इज अ पैराबोला वेयर ए इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट.
Okay, show that the particle strikes the ball at a horizontal distance of x equal to 4 av square tan theta upon v square plus twice ag plus twice ag tan square theta. It's very simple. अगर आप देख रहे हो particle को project किया angle theta पे, और जो theta angle है अगर आप देख पा रहे हैं तो वो आपका angle ये रहा. This is the angle theta. तो ये angle theta में जब particle project हुआ तो ये angle यहाँ पे आकर के फिर से particle मिलेगा. जब ये particle यहाँ पे आके मिलेगा उस समय आपको निकालना है कि क्या इसने x डिस्टेंस रहा यहाँ पे. वो प्रूफ करना है कि x इक्वल टू 4 av स्क्वायर tan थीटा अपॉन v स्क्वायर प्लस 2ag प्लस 2ag tan स्क्वायर थीटा. तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को लिख करके हमने इक्वेट कर दिया. जब आप इक्वेट करेंगे तो आप देखोगे कि इसमें x की वैल्यू विच इज नॉट जीरो, एक बार जीरो है तो वो हट जाएगा क्योंकि ये जो पार्टिकल है दो बार इस कर्व से मिल रहा है, एक बार x इक्वल टू जीरो पे और एक बार x इक्वल टू इस वैल्यू पे. तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, हैंस इट इज प्रूव्ड. जिसमें मैंने एक छोटा सा एजम्पशन लिया है कि 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक्स स्क्वायर थीटा और सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वो हमने रख करके x की वैल्यू निकाल ली है. इसी क्वेश्चन का पूरा परमपक आंसर आप देख पा रहे हैं आपकी नज़रों के सामने. मैं जल्द ही लौटूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय गुरु. थैंक्स फ्रॉम गुरुबाई.